उड़ी जा रे सुगनवा गंगा पार मनाइला बहुते बिनका। का बताएं, जब से आंगन में आई हूं इत तो हमारो पति कंजूस हो, नमक रोटी के अलावा धनिया की चटनी, अमिया की चटनी, चौरैया गुझलर अलाय के धत देत हुए। कबू शुद्ध जो ना कही कि ले आज हम ये सब सामान ले आ, तुम खीरे बनाए खाए लो, कहाँ करें कहाँ ना करें। बड़ी परेशान हुई गई बे। तो एक दिना की बात उनकी पड़ोसी ना आई उनके घरे, तो उनने जवाब तो जिज्जी कहावा तुम तो बड़ी दूर आई गई हो। कहाँ लगी कहाँ बताएं, तुम तो मालपुआ उड़ाती हो, मुझसे पूछो। हियन तो शुद्ध गेहूं की रोटी हो ना नसीब होती, बजरा की रोटी कबो कबो धकियाओ कत्ती खाती थो रहा हूं, कहाँ बताएं बड़ी परेशान हम हैं। तो उनने जवाब दो जिज्जी जा समय देवनी की पूजा चल रही है, और सवे जनी अपने ये बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मिठाई सब कुछ मंगाई रही हैं। अब तुम अपने पति को बुलाओ और उनसे कहो कि हम देवी की पूजा करें, हमारे लिए मतलब गर्री गोला लाए के देव, मिठाई लाए के देव, जलेबी लाए के देव, सेब संतरा अंगूर अनार सब कुछ लाए के देव, लहू के जोड़ा मंगाए लो, पान के पत्ता मंगाए लो, और मतलब मंगाओ पूजा के लिए। पूजा में देवी थोड़ो खाइए, बाद में खूब उड़ाओ आराम से, देखो रात ही भर में तुम उठाए जाइयो। बोली जावा सही है, वे चली गई। संजा को उनके पति आए तो अपने पति के सामने बैठी गई। पति ने जवाब दो का बात है, कान लगी बात का है, तुम तो अपने में हरदम मस्त रहा, तो एक तो बरियो तुम इतने मोटे हो ना चरपैया में आ, तुम तो तुम्हारे नीचे दबी जाती, उठी ही नहीं पाती हैं। तुम इतने मोटे, हम इतनी पत्थरी हैं, हम तो जय चाहते हैं मुंह मोटा जाए, कोई सामान वामान ला दो। बोले मतलब जवाब दो पिया, ऐसो है ना देवी की पूजा चल रही है, तो ऐसो करो सब सामान ला के देव, हम देवी पूजिए। अब पति का ना रहे देवी पूजिए कि अपनी पेट पूजा करिए, तो पति कहाँ लेके ठीक बताओ अच्छा कहाँ कहाँ सामान है ये। तो पत्नी समझाए कि बोली देखो पिया, अब देखो भाई हम जा बताने के लिए जा रहे कि देहात में कैसी कैसी मेहरियां रहती हैं, देवी की पूजा के बहाने अपनी पेट पूजा करने के लिए वे तैयार हो गए। अपने पति से समझाए कि बोली सुनो हे पति महाराज, हे धीरू बताएं सामान लइयो हमारे लिए, बताएं कौन कौन सी। बोली पिया सैया कल कहू मत जइयो, सैया कल कहू मत जइयो, मेरी अखियन समय रहियो, मत गरम मसाला खइयो। कल कहू ना रहियो सही है, हमारी आंखें सामने रहियो। और तुम जो गरम मसाला छोड़ते हो बहुत खा तो नहीं कहूँ दस तो बनेगा ना, नीरो खून गिरी है, खून जा समझ लियो। सैया कल कहू मत जइयो, मेरी अखियन समय रहियो, मत गरम मसाला खइयो, दुई लौंगा के जोड़ा खोट पिया, पूरो ही दिन बरते रहियो। बताए काए कल होई ऐसी पूजा, होई तुमरो ही फायदा, हवन रचबाओ जई है रे। कल समत पतली दी उमर को फारम डारो जई है रे। पिया ओ सैया निक जलधि में आइयो, दस पान के पत्ता लेते आइयो। पति बोले दस पान के पत्ता देवी तो नौ होती है। पत्नी कहा लेगी नौ होती है, कहा दसवीं हम देवी आई है तुम्हारी, दसों पान को पत्ता मेल ले चाहिए। बताए का है कल मठ पूजो जई है रे, कल मठ पूजो जई है रे, दक्षिण देवी न दरबार बलम गौ भटक न जाइए रे। जवाब तो पिया कहू भटक मत जाइयो, अगर देवी नाराज हुई गई ना तो नीचे मूड ऊपर टांगे करके तुम पे मारू लगे जा समझ लियो। हाँ हम उन्हें बचाए पे। अब बताए पिया कल तुम आइयो, हम तो पहले चलिए पूजा को, जब तुम आइयो तो मेले जा सामान लइयो। कौन कौन सी वे समझाएगी। बोली सुना दो किलो गरम जलेबी लाना, गर्री किशमिश ताल मखाना, संतरा सेब भूल मत जाना, क्योंकि कल खाओ न जाइए खाना, व्रत कर लो पर जय है रे। पर गारंटी उमर पिया तुम्हारी बढ़ जय है रे। बोली पिया तुम कितने साल के हो। बोले 30 साल के। अच्छा
अभी 70 साल और जिंदगी है। हम गारंटी लेती जब पूजा करिए ना, तुम्हारी 110 साल जिंदगी हो जाए एकदम पक्का। लेकिन पति एक काम करियो, कौन सो कल्ली मठ पूजो जय है रे, कल्ली मठ पूजो जय है रे, दखिन देवी न दरबार बलम गौ भटकिन गयो रे, नहीं हो देवी नाराज। चलिए संज्ञा को तुम आए जो देवी जहां पूजा हो मठिया पे, बोले ठीक है सोए जाए, बोले अब ना सो, रुको रुको और बात सुनो। कौन जवाब दो, कल सुबह सुबह यानी संजय को एक काम और कर ले, कल जो काम करके यो कौन कौन सो। पत्नी समझाए के बोली सुनो, एक काम करियो मेरे सैया, पड़ोसी को भूसा चुराइयो, अब कल्ली मेरे कपड़ा धोई करके खाली पेंट पहन के आइयो। जवाब तो महाराज एक काम करियो, पहली तो पड़ोसी को जाएंगे भूसा चुराइयो और मेरे कपड़ा धोइयो, बाकी बाद में ना जब देवी की मठिया भी आई हो तो खाली पेंट और बुस्कट पहन के आई हो, नीचे अंडरवियर बनिया नहीं ना पहनो, ने हमें न मानो देवी नाराज हो जाए। अब पति महाराज कहा जाने की हमारी देवी नाराज हो जाए। अब जाए के संज्ञा को सोई गई सुबह जैसे ही भाव, अब उनने जैसो बताओ तो बिने सब सामान लाए दो, बाकायदा देवी की पूजा वाली सामान लाई दे, और उनसे कहीं जवाब दो तुम चलो मठिया पे, हम बाजार जा रहे, जितो सामान तुमने बताओ वो सब लोग हम लेके तब आए। वो चली गई बे बाजार में सामान लेने के लिए चले गए, और उनने थरिया में पान के पत्ता लाऊ के जोड़ा बरी, जितो सामान हो सब धल लो। और पति महाराज बाजार में गए, बहुत देर हो गई, बाके बाद में जब पहुंचे मठिया पे पूजा हो रही थी। अब जैसे पूजा हो रही तो पत्नी ने जैसे देखो, अब पति के हाथ में कछु ना, पति बड़ो चालाक आदमी है, तो बाने जितनी सामान ले सब डुकाए के धत दई, और सोचने लगे आज हम देखिए देवी आती है तो कैसी देवी होती है, हम पहले देवी है तो देखिए देखे आती है कि उसे उदम दे फिरती है जे हमारी धर्म पत्नी। तो पहुंची गए, उन्हें जब सामान डुकाए दो तो पत्नी ने जब पति के हाथ में सामान ना देखो तो उन्हें दुई लोगों के जोड़ा खोटे अपने मुँह में और डाल ले, बाके बाद में दुई परिक्रमा करे और हाथ जोड़ के पटकन लगी अपन के जोड़े, बस ही मानो देखते तुरंत ही देवी जी आई गई। और जो देवी जी आई गई तो पति से बोली क्यों, हमने तुमसे 2 किलो सेव और 2 किलो संतरा अनार मंगाए थे कल आए। पति सोचने लगे अब देखिए देवी जी होती कैसी हैं, हम बताइए ना, बिन्ने मना कर दो जवाब दो, हम कछु ना लाए। अब जो उनने सुनी सोई नाटक शुरू आई गई, देवी जी पटकन लगी मातोन पे, बोली ना लाए, बोली ना मंत्र शुरू करें, जवाब दो शुरू करो, हम देखे कैसी देवी जी हैं। पंडित जी ने मंत्र शुरू करे, अब उनकी धर्म पत्नी पे देवी जी आई गई, नेक ही देर में आई गई। अब पत्नी समझाए के बोली, पत्नी का मत देवी जी को घोड़ा होते ना घोड़ा, और देवी जी घोड़े ही पे ज्यादा आती है। अब कान लगी पत्नी बोली पति से, अंतर मंतर घोगा चाली सैया पेंट पहनिया खाली, गांव वाले सोचने लगे देवी जी बड़ी होशियार, बता पहले बता रही खाली पेंट पहन के आए। गांव वाले ने जवाब दो के भैया ये धीरू का तुम खाली पेंट पहन के आए, अब वे सही बात क्योंकि उनकी पत्नी पहले बताई गई थी खाली पेंट पहन के आई हो। उनने जवाब दो हाँ भैया सही बात, हम पेंट पहन के आए खाली। गांव वाले समझ गए अरे देवी जी बड़ी सच्ची बताओ पहले सब कुछ बताई रही है, बोली अब वे बेचारे शरमाए लगे, अंतर मंतर घूंगा चाली सैया पेंट पहनी आए खाली, आ गए खोल खोली समदारी तबे धरियो फलम फलारी, ऐसे नाही मनियो रे मेरे पहले मंत्र की हुई पूर्ति, नहीं डंडा दार जय है रे। ओ सैया मत करो कंजूसी, औ क्यों करवाई रे राजा हासी, बकसुआ जो खुल जाई है ने। पत्नी बोली निकाल दो से संतरा, खाली पेंट पहन के आयो, जो ने को बकसुआ खुलो मानो तुम्हारी दुकान बाहर सब, बकसुआ जो खुल जाई है ने, बकसुआ जो खुल जाई है ने। तो
को कहा होई भगवान नाक तुम्हारी कट गई है रे। और तुम्हारे घटे गो मान बोली निकारो सेव संतरा ने कहो जो बगसवा खुलो धीरु तुम्हारो तो समझ ले का हुई है बड़ो अपमान है निकारो। पति बेचारे घबराएंगे सोचन ले झटका गौ दे बकसवा खुलो मानो तुम्हारी सब बेइज्जती हुई है। तो बिने सेव संतरा निकाल के धद्दे जवाब दो ले दे बीजी उनने ले लो बाके बांध में जवाब दो का तुम गरम जेने भी लाए मेल ले तो उन बेल लेके तो गए आते लेकिन सोचने के गरम जलेबी बचने अब की देख ले देवी जी कैसी है ये। अब देवी जी बोली का हमारे घोड़ा के लिए तुम गरम जलेबी लाए बोले हम नहीं लाए। तो देवी जी फिर जान तो कहा बोली पत्नी पे अब देवी जी तो रो होती बेतो की पत्नी नाटक कर रही केवल क्यों धीरू अब पत्नी समझा के बोली उसे मतलब बालल खोले बात झीकन लगी इधर उधर मालूम पड़ो स्वयं देवी जी आई गई। अब बोली गरम जलेबी निकालो अंतर मंतर घूंगा चाली राजा की बड़ी भयंकर खजुली। बोली हमारे पति के बहुत खजुली है ना मानो पेंट खुलवा के देखो जांगन के बीच में इतने इतने दाद के चकत्ता ही चकत्ता नन्ने नन्ने दानों पर ना मानो धीरु पेंट खुलवा के देखो। हाँ बोली आज जो इतनी बातें सुनी गांव वाले कहने का भैया सही बात उनके कान के जोरे दादू हो तो बिन्ने देखो जवाब दो तुम्हारे भैया कान के जोरे दाद खान दादू है तो अंदर जरूर हुई है जवाब दो भैया है गांव वाले कान लेके आज भैया देवी बड़ी साची है आए बताओ बेले सब कुछ बताए नहीं अंतर मंतर घोंगा चाली राजा की बड़ी भयंकर खजुली अब का पोल खोली सब नारी तब है धरियो गरम जलेबी ऐसे नाही मनियो दे दद्देव गरम जलेबी मेरे दूजे मंत्र की होई पूर्ति न डंडा डारो जई है रे। ओ सैया जो न धरऊ जलेबी तो राम करई खजुआई लगई खजुली गरम जलेबी धरऊ ने हे भगवान भगवान करे तुम्हारी खजुली खजुआ लगे खूब खबर खबर खजुआ खड़े खड़े और गरम जलेबी धरो ना धीरू सोचन लगे गरम जलेबी बज जाए तो बढ़िया बात है। तो जब सोची ना रखी ऐसे तो फिर देवी की आवाज आ गई आई उनके घोड़ा से झिकन लगी आई बोली बकसुआ जो खुल जाई आई ने धरो गरम जलेबी ने को बकसुआ खुलो माना तुम्हारी दुकान बाहे ना बकसुआ जो खुल जाई आई ने तो कहाँ होई भगवान नाक तुम्हारी कट जाई आई ने बहुत घटे गो मान तुम्हारी खजुली खजुआन लगे तो जलेबी ना रखो और वास्तव में दाद उखाद समझो तो बड़े शर्म आएंगे उन्हें जलेबी धत दें। बाके बाद में पत्नी ने फिर जवाब दो कहा हमारे संतरा गर्री खोपड़ा लाए पति सोचने लगे जे बच जाए तो बढ़िया बात है मुंह देखे देवी जी कैसी होती हैं बोले हम ना लाए। अब पत्नी फिर चिल्लाने लगी देवी जी फेरी आगे मूड झीको तो मंत्र पड़े फेरी आएंगे देवी जी और जब फेरी देवी जी आएंगे तो बकी बार में जान तो कहा बोली अंतर मंतर घूंगा चाली अब की बात कवन कही डारी अब देवी जी थोड़े होती वे तो उनकी पत्नी खाली मूड झीक रही हूं इसे बहानो दे रही बोली अब की गांव वालों सुनो हम एकदम साची बात कहें और हम तुम्हारे गांव में अपना रथ लेकर के आई हूं पुत्र बांट रही हूं मैं जाकी जो मनोकामना हो ना हम सबकी मनोकामना पूरी करें जाके जो कुछ हो कमी को हमसे सब मांग ले लड़ाई भिड़ाई ना निपटे लड़ाई भिड़ाई निपट जे जाके पुत्र ना हो तो मैं पुत्र देती हूँ बांट रही हूँ सब लोग आओ एक पुत्र ले जाओ यानी जो भी कमी में सबकी पूर्ति करती हूँ। अब देवी जी थोड़ा होती बे वैसे नाटक कर रही उनकी पत्नी अब बोली अब की बात बताए बिल्कुल साफ ये जो हमारे घोड़ा के आदमी बैठे हैं ना धीरू क्योंकि जहाँ पे देवी आती ना वो घोड़ा होते घोड़ा हमारे घोड़ा के आदमी जो सिलवल्लू जी धीरू बैठे हैं ना
बताए दे कल कौन सो काम करके आए, सांची बताए दे। गांव वाले बोले बताओ गांव वाले कहा जाने की इनकी पत्नी खाली है कि देवी जी हैं। अंतर मंतर गूंगा चाली अब की बात कवन कही डारी सैया हमारे बड़े कंजूसा कल चुराई ले आए भूसा। पड़ोसी को भूसा चुराए ना मानो धीरू से पूछो चुराए कि लाए भूसा। हाय बे अंगुरी दारी के दांतन तेरे दबाए गए। हाय दैया सही बात है। हाय जी देवी जी कैसी जी तो सबको जानती है। थोड़ी देर के बाद में जो जेहू बताइए कि हम दिन भर में लेटरिन कितने बार गए हैं। बताई कहीं के घर को कितनो भूसा ऐसे नहीं मनी हो रे मेरे तीजे मंत्र की होई पूर्ति नहीं डंडा दारो जय है रे। ओ सैया धर देव संतरा अवताल मखाना गर्री खोपड़ा। जल्दी धरो संतरा ताल मखाना गर्री खोपड़ा। क्यों धीरू लाए धीरू कहां लगे हम लाए तो लेकिन उस समय जय बचना लेकिन दिए ना तो देवी जी फिर बोली बकसुआ जो खुल जाए है रे। समझ जाओ जो बकसुआ खुलो मानो तुम्हारी दुकान मार देरू। बकसुआ जो खुल जाए है रे तो कहाँ होई भगवान नाक तुम्हारी कट जाए है रे तुम्हारो घटे गो मान। जय बात कह के सबका ढूंढ से ले लो संतरा गर्री खोपड़ा सब कुछ गरम जलेबी सब खाए लें सब सामान लेके घर चली आई। और घर आए वे के बाद में खूब पहले को उन्हें रात भर खाओ सुबह जैसे वो पति बेचारे अब मोहल्ला में जाए सब लोग देख देख के उन्हें बड़े हंसे यार बड़े बेकार आदमी देवी जी ने तुम्हारी सच्चाई सब बताई दी बड़े शर्माए गए। एक आदमी उनकी तरह कोई जंडेल मिले को बाने जवाब दो भैया तुम चिंता मत करो तुम्हारी जितनी बेइज्जती भई है ना हम तुम्हें बताएं पत्नी की तुम कसर काट हो जाए के बोले का करें। उन्हें जवाब दो जाओ और संजा को दिन में जाए कि सोई जाइयो और दिन में सो जाइए सोएवे के बाद में उठियो अपनी पत्नी को बुलाइयो और उनसे कहियो हमने यहाँ सपनों देखो और सपने में हमारे हनुमान बाबा आए और उन्हें ऐसे ऐसे बताओ तुम ऐसे ऐसे करो नहीं तो हम मरी जाइए। बोले सही बात है आए गए घरे पत्नी को बैठाओ जवाब दो देवी बढ़िया बात है भाई देखो तुम्हारी देवी कितनी सच्ची आए जितने कर्म हमने कल करे अब बताओ तुम्हारी देवी ने सब बताई दे अब हम हनुमान बाबा को पूजते हैं। अब बेहुआ ने दिन में जब सोए गए ना तो बाबा हमारे सपने में आए उनने एक बात कही है। बोली कहा कही। बोली बहुत जरूरी बात कही पत्नी कहा ली चलो छोड़ो सपने को अपने होते हैं जवाब दो ना हमारे बाबा बड़े सच्चे उन्हें सांच सपन दो अगर तुमने बेकर्म ना करे तो समझ लो हम मरी जाए उनने जेऊ कही है। बोली कहा करें हाय दैया तुम ना मरियो तुम तो मतलब हमारे अकेले आदमी हो तुम मरी जियो तो हमारो का ये धीरू आए तुम्हारे बिना साधु तो बिल्कुल ही नहीं रह पे आए। और तुम्हारी छोटी भाभी जी रायपुर वाली तुम रोए रो के तड़प तड़प के मरी जिये तुम्हारे बगैर। बोली कहा दो सपनो अब देखो पति झूठी बात बता के बोले काहे क्योंकि पत्नी नंबरी तो पति दस नंबरी उनसे ज्यादा आगे। बोले सुनो हनुमान बाबा सपने में उनने जा बात कही कौन सी अंतर मंतर घोगा चाली हनुमान कही गए घर वाली। सपने में हनुमान बाबा उनने जा दुका कही तुम्हारी पत्नी जो है ना अंतर मंतर घोगा चाली हनुमान कही गए घर वाली तुम्हें खमा मई खीर की प्याली अपना पी मूंग की डाली नहीं तुम तो मर गई हो रे। अब तुम सुनो हमारो फंदा और जो तुम हम का चाहो जिंदा मेरा चा बही ले आई दूंगा। भामिनी हनुमान बाबा कह गए कि तुम्हारी पत्नी तुमको बनवाए के खीर खवाए अपने मूंग की दारी पे अगर जे पत्नी ने तुम्हारे काम ना करे तो तुम जिंदा ना रही हो। हाय दैया जो इतनी बातें सुनी पति कान ली और बताए कहा कह गए बाबा कहा कह गए वे तो डराई गई बेस कान लगे उस अगर सचमुच बाबा आए हो। पति बोले सुनो घबराओ ना तुम जो काम कर डालो जो हम बता रहे बस टेंशन खत्म हम थोड़ो ना मरिए। मेरा चया बही लाए ले दूंगा मेरा चया बही ले आए दूंगा उन्हें पीस सवेरे आज घोटी के तुम पी गए नहीं हो प्रभु नाराज।
जाओ तो हम कम से कम 500 ग्राम और सूखे मिर्चा खरीद के लें बाजार से और उन्हें मिर्चन को पीस के घोटी के तुम पी जाओ तो हम ना मरे कान लगे आए तो यहाँ मिर्चा कैसे पी पाए मैं तो पेट में जाते जाते आग ही डाल दिए खाइए कोई और झेलिए कोई और धीरू मिर्चा मुंह खाइए और झेलिए कौन पति बोले चिंता का कर और सुनो बताए का करने को हुई है बाद में गर्म जलाऊ बनाइयो सागे कई माँ भाई पी जाइयो दना दन ऊपर नीचे आइयो छत्ती के चक्कर चारी लगाइयो पर तू कर रो बनी गई है रे घर जो मकान करी पवन सुत तुम्हें पटक है रे तो हो तैयार लगाई ले बढ़नी और नहीं डरी रही जा घरी है सजनी आज परीक्षा बड़ी है तगड़ी जीती मेरी रनिया जय हौ रे हो जीती मेरी रनिया जय हौ रे हमें है यही विश्वास उम्र मेरी बढ़ी गई है रे तो चलिए नैनीताल बोले देखो गरम जलाओ बनाओ और गरम जलाओ बनाए के बाद पी जाओ बाके बाद में छत्ती के कम से कम 10-12 चक्कर लगाओ नीचे जाओ ऊपर आओ तो बचे नहीं तो मर जाइए जो इतनी बातें कही तो बाई समय जलाओ बनवाए दो और बाके बाद में जब जलाओ बनवाए दो घोटे के मिर्चा उन्ने पिए बाके बाद में जलाओ पियो आओ जब जलाओ और मिर्चा पेट के अंदर पहुंचे तो तुरंत उनके पेट में मरनी मचन लगी अब नीरो कोई जलाओ अगर बाल्टी गांड पी लेना धीरू तो बताओ का दशा हुई है अब मिर्चा पिए जो उनने जलाओ मिर्चा पिए बने आए बेकरार दस्त बने उन्हें की समझिए ना बने झट जी ना बचने छत्ती पर जाए पति कान लगे लठिया ले पीछे पीछे दौड़े जवाब तो चक्कर लगा नहीं तो हम मर जाइए एक चक्कर पूरा हुई को दूसरा पूरा हुई को तीसरा चक्कर जो लगाओ नीचे जो छत्ती पे गई छत्ती से नीचे आई सोई दस्त शुरू हुई गए जैसे दस्त शुरू है झट लेटरीन में जाए झट जीना पर जाए झट छत्ती पर जाए पति पीछे पीछे डंडा ले जवाब तो चक्कर लगाओ नहीं तो हम मर गए में गरम जलाऊ बनाइयो और साके कई माँ भाई पी जाइयो दना दन ऊपर नीचे आइयो छत्ती के चक्कर चार लगाइयो लगा ना चक्कर पत्नी बनी है ना झट लेटरीन में जाए झट छत पर जाए झट जीना पर जाए अब दस्त शुरू सपड़िए ना बंदे संजरात मेरी खूब पूजा वही सुबेरे जैसे वो डॉक्टर कहीं ले गए डॉक्टर ने जवाब तो कामात पत्नी की बड़ी बुरी दशा है पति कहा लेकिन इनने पूजा करी हमने पूजा करी लेकिन इनकी पूजा तो हम झेली गए लेकिन इनने हमारी पूजा ना झेली पाई बस इतना फर्क हुई बताई कि मारे इनकी ज्यादा सा बन गई तो ऐसे देखो देहात में हो ही जाते हैं ना और वीडियो राधे कृष्ण के माध्यम से पहुंच रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल है नरेंद्र रंजन ऑफिशियल नरेंद्र रंजन लाइव नरेंद्र रंजन कैसेट हमारे चैनलों पर बने रहिएगा ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे राधे कैसेट एचडी पर वीडियो आते रहते हैं उस पर गौर करके वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि इस समय व्यूज बहुत कम आ रहे हैं चैनल पे वो हमारा ही चैनल है आप लोग हमारे चैनलों को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दीजिएगा धन्यवाद आपकी महान दया होगी कल्ली मठ पूजो जय है रे कल्ली मठ पूजो जय है रे दक्षिण दे बिन दरबार